विवेक जी, पिछले तीन दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर करके डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल लिए हैं तो। और वैसे तो ये लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है, आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है, 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी, और मैं तीन उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद।